हेलो, हमको यहाँ क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते प्लस 100 फैक्टोरियल तक का अगर हम सम जो होगा उसको हम 24 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जो फैक्टोरियल ये चीज़ है क्या, क्योंकि आप लोग ने ये साइन अभी शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल है ये क्या है, इसको हम पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या चीज़, ये क्या दे रखा है। फैक्टोरियल होता है, 1 फैक्टोरियल को लिखते हैं 1, 2 फैक्टोरियल को 2 into 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1, एंड 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि ये फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, तो अब ये फैक्टोरियल समझ गए, अब इनका जो सम है अप टू 100 तक को, फिर उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 24 से, और उसका हमें क्या पता लगाना है, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा सा हमें सीरीज जैसा कुछ क्वेश्चंस हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये ना तो एपी और जीपी ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये सीरीज़ को हमें क्या करना है कि इसको 24 से डिवाइड करके देखना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा सम है वो ये है। अब हम सम को फैक्टोरियल अगर हटा दें तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको देखें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमारा जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले वो टर्म हमें कहाँ नज़र आ रहा है, या वो टर्म किससे डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है, द फर्स्ट टर्म जो उससे डिवाइड होता हुआ नज़र आएगा। मान लीजिए ये 48 होता तो ये पहला टर्म हमारा यही हो जाता। ठीक है, यहाँ पर तो 24 हमें डायरेक्ट नज़र ही आ रहा है तो इसलिए 24 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 24 नहीं होता, कुछ सम करके यहाँ 48 आता तो फिर 48 हमारा हो जाता जो 24 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो शुरू के 3 टर्म हमने छोड़ दिए, जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है वहाँ से हम शुरुआत कर देंगे। तो वहाँ से जो शुरुआत कर देंगे तो हम देखेंगे कि उसके बाद के जितने भी टर्म होंगे सम में 24 कॉमन ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद के जितने भी टर्म है सम में हमें क्या नज़र आ रहा है, 24 कॉमन होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, अप टू 100 तक हम देख सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या करा है, वहाँ से 24 हमने कॉमन ले लिया, और जो दूसरा जो आया 1 + 5 + 30, फिर एक सीरीज़ नज़र आ रही है। अगर मतलब इतने टर्म्स को हम 24 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा इतने टर्म तक। अब हमारी कहानी रह गई 1 + 2 + 6 की, 1 + 2 + 6 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो यही हमारा जो होगा, यही हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर, क्योंकि 24 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। हम इसको देखेंगे 9 + 24 × x, तो x से तो कोई मतलब ही नहीं है, 24 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है इतना पार्ट, फिर ये क्या हो गया, 9 ही हमारा रिमाइंडर होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, 9 रिमाइंडर कितना बचा है, 9 इज़ करेक्ट।